नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। तो कल के लिए मतलब 6 फरवरी 2020 के लिए मैंने इक्विटी का व्यू दिखाऊंगा। उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी कमोडिटी फ्यूचर्स का बाई सेल लेवल दिखाऊंगा, बाई लेवल एंड सेल लेवल दिखाऊंगा। और उसके बाद 100 EMA स्ट्रैटेजी कौन सा स्टॉक्स में फॉर्म हुआ है वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। और इंसर्ट डबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी NR4 NR7 और कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन कौन सा स्टॉक्स में क्या क्या कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है वो भी आप लोग को कुछ दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू जो मैंने रेगुलर बेसिस पर देता हूँ वो भी मिल जाएगा। ये जो व्यू दिखाता हूँ बाई लेवल सेल लेवल ये भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। और बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, स्ट्रैटेजी है, टेक्निक्स है जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो और इसमें ये बाई सेल लेवल और कम स्किनर में क्या क्या है और कैसे स्क्रीनिंग करता है, कैसे कौन सा स्ट्रैटेजी है इसमें तो वो भी आप लोग को सब वीडियो भी आप लोग देख लीजिए तो आप लोग को ये समझ में आएगा, अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। पर इसका परफॉर्मेंस वाला वीडियोस भी देखिए। और इसका जो मैंने इसका व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने शेयर करता हूँ, पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसमें फ्री ट्रायल के ज्वाइन होने के लिए आप लोग को उसका लिंक मिल जाएगा। यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ये फाइल डाउनलोड करने का, सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का क्या क्या है इसमें वो भी आप लोग को देखने के मिल जाएगा। वो उसका लिंक भी उधर यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुत सारा वीडियोस है, इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक दिया हुआ है वो भी आप लोग देख लीजिए। तो ये आप लोग को ये बाइसेल लेवल और जो पूरा एक्सेल फाइल का में क्या क्या है, कैसे काम करता है वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इसमें बाई लेवल सेल लेवल तीनों बाई लेवल सेल लेवल देखता हूँ। और इसमें कुछ इनकम इंडिकेटर्स है, पैरामीटर्स हैं जो आप लोग स्क्रीन कर सकता है। तो बाकी आप लोग यूट्यूब वीडियो देख लीजिए तो आप लोग को सुविधा हो जाएगा। तो देखिए बाई सेल लेवल 1 मैंने दिखाऊंगा, ये बाई सेल लेवल 1 इस बाई का एंट्री बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ। और सेल का भी ऐसा है, सेल का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ। और इसमें मार्केट ओपन होने के बाद आप लोग को देख लेना है कि कौन सा लेवल पे है, उसका हिसाब से आप लोग को काम करना पड़ेगा। सोच लीजिए 237.50 या 238 के ऊपर ओपन हुआ है तो ये क्रॉस होने के बाद आप लोग को ट्रेड लेना है। और इसका नीचे मतलब सोच लीजिए टारगेट का नज़दीक हुआ है तो इसका लेवल क्रॉस करने के बाद ही आप लोग को लेना है। और सोच लीजिए इधर 237 का 20 247.40 तो इस तो उस टाइम आप लोग एंट्री लेंगे तो इस टारगेट में के लिए आप लोग एंट्री ले सकते हैं। तो ऐसे करके आप लोग को समझ लेना है। वो परफॉर्मेंस वाला वीडियो देखिए, उसमें चार्ट में देखा के मैंने अच्छी तरह से समझा है तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसके बाद बाई सेल लेवल 2 दिखाऊंगा, आप लोग कोई भी एक सेट यूज़ कर सकता है और तीनों के ऊपर ही नज़र रख सकता है जो उसका लेवल आगे आएगा और उसके ऊपर आप लोग काम कर सकता है। इसके बाद बाई सेल लेवल 3 ये R1 बाई का एंट्री लेवल है और S1 सेल का एंट्री लेवल है। और इसके बाद स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आप लोग को एंट्री, इसका ऊपर भी आप लोग एंट्री ले सकते हैं। विन जे बैंड का अपर बैंड, लोअर बैंड, मिड बैंड, प्राइस चैनल का अपर बैंड, मिड बैंड, लोअर बैंड, ये भी आप लोग को रहेगा, इसका भी एंट्री पॉइंट बन सकता है। और टीरोन लेवल, ये जो टीरोन लेवल का टॉप लाइन, मिडिल लाइन, बॉटम लाइन है वो भी आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है। उसके बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू दिखाऊंगा, वो भी तीनों बाई सेल लेवल दिखाऊंगा, पिवट पॉइंट वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा। तो आप लोग इसका ऊपर नज़र रख सकता है, तीनों लेवल और पिवट पॉइंट, बुलिंग जोन, प्राइस चैनल, तो आप लोग को ट्रैक करने के लिए सुविधा हो जाएगा। ये है बाई सेल लेवल 1, उसके बाद बाई सेल लेवल 2, कुछ एक साथ आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो
हम लोग को ट्रैक करने के लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगा, कौन सा लेवल पे है, इसके बाद कौन सा लेवल आएगा, कौन सा ट्रेन में हो सकता है, ये भी आप लोग को समझ में बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैंने कमोडिटी का लेवल दिखाऊंगा, तीनों भाई से लेवल, पिवट पॉइंट, बोलिंग बैंड, प्राइस चैनल, तीनों लेवल, इसके ऊपर आप लोग एक साथ नजर रखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा प्राइस मतलब इसका कौन जो स्टॉक का प्राइस कौन सा लेवल पे है, कहाँ पर जा सकता है, अब यह जा सकता है या डाउन जा सकता है, ये सब आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद और भी कुछ कमोडिटी बाकी रहेगा, इसके बाद फ्यूचर्स का कुछ लेवल दिखा देता हूँ, आप लोग उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद से लेवल वन ही दिखाऊंगा, इसके बाद मैंने 100 डी एम ए का स्ट्रेटजी दिखाऊंगा, कौन सा स्टॉक्स में ये फॉर्म हुआ है और इसको कैसे ये क्या है, अदानी पावर छोटा स्टॉक्स है इसको छोड़ देता हूँ। ये देखिए ऑरो फार्मा में ये फॉर्म हुआ है, मतलब ये जो 100 डे मूविंग एवरेज है ये आज का कैंडल को काट किया है, आज का जो कैंडल है इसको काट किया है, किसी जगह से काट किया है, तो इसका जब हाई लो जब कल तोड़ेगा तो इसका देखिए 510.50 में क्लोज हुआ है, तो 510.90 के ऊपर जाएगा जो जब, तो ये अच्छा मूवमेंट दे सकता है। दिखा देता हूँ आप लोग को इधर और ऊपर ऊपर कैलकुलेशन करता हूँ, और इधर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर इंडिकेटर बनता है, तो ये चलेगा तो इसका हाई लो जब ब्रेक करेगा तो आप लोग एंट्री ले सकता है। इसके बाद देखिए सेंचुरी टेक्स ये भी थोड़ा सा ऊपर चल गया है, तो हो गया कौन कौन को देख रहा है। देखिए इधर काट गया है, दिखाता है इसका हाई लो जब तोड़ेगा तो लोग को अच्छा मूवमेंट दे सकता है कमिंग्स। इसको भी आप लोग देख सकता है। अच्छा इसके बाद मैंने इंसेंट दबार देखा था, वो हम लोग रिटेल के लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, आप लोग को पूरा फाइल मिल जाएगा, तो जितना सारा है आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग सोच सकते हैं फिर सर्विस में लेंगे या नहीं लेंगे। अच्छा ये ए सी सी में देखिए वन डे का ही सबसे इंसेंट दबार रहा है और एन आर फोर भी है, तो देखते हैं ए सी सी का कैसे सीनरियो बना है। देखिए इंसेंट दब आ रहा है, मतलब अगला आज का कैंडल जो है अगला दिन का कैंडल का अंदर रह गया, अगला दिन का जो हाई लो है उसका तोड़ नहीं पाया, आज का दिन का कैंडल इंसेंट दब आ रहा है, और एन आर फोर भी है क्योंकि ये अगला थ्री डेज का जो कैंडल है इसका जो रेंज है हाई लो का डिफरेंस जो है आज का सबसे कम है, तो आप लोग इसका आज का कैंडल का हाई लो ब्रेक करने के बाद ही ओपन ले सक एंट्री ले सकता है, नहीं तो अगला दिन का कैंडल का सबसे हाई लो जब ब्रेक करेगा एंट्री ले सकता है। उसके बाद मेरा फिबोनाची स्ट्रैटेजी भी आप लोग देख सकता है, इससे इधर से जो आप लोग स्टॉक्स चुन के वो फिबोनाची लेवल का जो स्ट्रैटेजी है सात दिन का हिसाब से फिबोनाची लेवल, सात दिन, पाँच दिन, तीन दिन, दो दिन, एक दिन, उसका बाई सेल लेवल आप लोग देख लेंगे, उसका हिसाब से जो लेवल पे आएगा वो आप लोग वो भी आप लोग यूज़ कर सकता है। मेरा फिबोनाची स्ट्रैटेजी बोल के एक वीडियो है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा इसमें मैं आप लोग को दिखा देता हूँ और क्या स्ट्रैटेजी बना है, इधर देखिए अंबुजा से मैं वन डे का हिसाब से बना है, वन डे का हिसाब से बना है और NR4 NR7 हुआ है, अंडे का हिसाब से देखिए इंसेंट दबा ट्रेडिंग इंसेंट दबा रहा है, अगला दिन का कैंडल का अंदर रह गया और NR7 भी है क्योंकि ये अगला 3 डेज का कैंडल 5 6 डेज का कैंडल का